दी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहाँ जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं लाजपत नगर मार्केट। शादियों का सीज़न चल रहा है और हमें भी एक शादी में जाना है, जिसके लिए हम करने जा रहे हैं शॉपिंग। मेरे साथ हैं गौरव और दीपिका। एंड मेरे लिए ही शॉपिंग होगी गाइस, देख लेना। लास्ट में ऐसा था, हर बार ये अपने लिए शॉपिंग करलाती है और जाते मेरे नाम से। ऐसा लेट्स सी किसको क्या पसंद आता है, किसको क्या नहीं पसंद आता है। मैं तो नॉर्मली कोई एक सूट ले लूँगी, अगर पसंद आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। मैं तो बस नॉर्मली मार्केट एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। लास्ट में गई थी शायद 4-5 साल पहले, उसके बाद से जाने नहीं पाया। तो देखते हैं लाजपत में क्या नई चेंजेस आए। शादी सो सी यू गाइस एट लाजपत नगर। तो हमने उबर बुक कर ली, पीछे मैं दीपिका बैठ गए, गौरव बैठ गए आगे, और यहाँ से लगेंगे 45 मिनट्स। ट्रैफिक भी होगा, संडे का दिन है, इट्स अ सनी संडे, और ऑब्वियसली शादियों का सीजन है तो सभी लोग शॉपिंग करने निकलोंगे संडे को। तो पहुँचते हैं 45 मिनट में। हम फाइनली लाजपत पहुंच गए हैं। ये लोग पेमेंट कर रहे हैं कैब की। लाजपत में कैब से बाहर ही उतर गए थे क्योंकि अंदर यहाँ इतना ट्रैफिक रहता है, तो हमने सोचा हम पैदल ही चले जाएंगे। हम IBS हॉस्पिटल के बगल से पैदल गली से अंदर जा रहे हैं। यहाँ लेन से बाहर से मार्केट शुरू हो चुकी है। जूते चप्पल, छोटा छोटा मेकअप, छोटे छोटे पर्स, ये है ईमानजस्ता संगमरमर के। तो गौरव और दीपिका इस एक्सपोर्ट हाउस में चले गए कुछ देखने। यहीं पे बाहर एक जूस वाले भैया हैं जिनसे मैं बनवा रही हूँ मौसमी का जूस, 40 रुपए वाला 3 ग्लास। भैया छीले, यहाँ छीली भी कुछ रखी भी है, और ये हाथ वाली मशीन है। मैं जूस पी लिया, हम इस शॉप में आए थे, सामान तो सही लग रहा है अब, लेकिन हम मार्केट जा रहे हैं, गौरव यहीं रहेगा। आउटर साइड बहुत सारे फूलों की मार्केट है जहाँ पे आर्टिफिशियल फूल है। गाजियाबाद में गाजीपुर मार्केट है फूलों की, अगर आपको लेनी है, पर अगर आप दिल्ली में नियर बाय यहाँ पे हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल लोकल मार्केट। घुस गए हैं लाजपत नगर मेन मार्केट में। ऐसी है ये मार्केट, बहुत ज़्यादा भीड़ है, दुकानें एकदम फुल फ्लैश भरी हुई हैं। लेट्स सी हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं आज। शॉप मैर, हमें ये येलो वाला लहंगा अच्छा लग रहा है, इस पे इनके पास पिंक एंड ग्रीन कलर और है। अब हम कंफ्यूज हैं यही ले या नहीं ले। इसका कह रहे हैं फिक्स रेट 3400। दुकान का नाम है मीरा मिक्स मैच। तो हम फाइनली डमी वाला ही पीस ले रहे हैं, ये रहा। दीपिका कंफ्यूज है पिंक ले या येलो, मैं तो बोल रही हूँ येलो अच्छा लग रहा है, पक्का ब्राइट लग रहा है, क्योंकि मेकअप भी सारा पिंक रेड रेड ही होता है ना, तो येलो ठीक लग रहा है। हाँ, एनमी डमी को हमने थोड़ा सा नंगू सा तो कर दिया है भरे बाजार में। इसके साथ एक ब्लाउज है और एक घाघरा है मेरा। कब ट्राई कर रही है इसका घाघरा, ये रहा ब्लाउज, थोड़ा सिंपल सा ही है पर ठीक है। और ये इसका प्लेन घाघरा है, सो इट्स वेरी लाइट। आप अगर इसके बिना पहनोगे तो थोड़ा लाइट है, वैसे ठीक है। इसके साथ एक दुपट्टा ले लिया जाए तो सेक्सी लगेगा। चेन में कुछ गड़बड़ है, कपड़ा अड़ रहा है। कपड़ा को बड़ी मुश्किल से कुछ पसंद आया, उसकी चेन नहीं खोल पा रहे हैं भैया। क्या करें बताइए। मतलब इसका ब्लाउज ट्राई, यहाँ साइड में जाके ब्लाउज ट्राई। टेलर पे सामान भेजे हुए 15 मिनट हो गए हैं और कोई अपडेट नहीं है। ये जो भी चीज़ लेती है उसके साथ ऐसा ही क्यों होता है कि कोई भी चीज़ लेती है उसमें मैंने ये भी लिया है, तो टेलर वो बोल रहा है कि इसको सिर्फ सिखाना पड़ेगा, मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं है कि मतलब आराम से डाल सकता, अलग ही स्ट्रगल है दुनिया में इसका। इसमें ब्लाउज साइड चेंज दे दी, अगर पहनेंगे ना, अगर इसको फिट कराते तो घुसेगा नहीं, फिट नहीं कराते तो ये ढीला रहेगा। हमें इस पर बाद में जाके चेंज लगवानी पड़ेगी, खेल लेंगे थोड़ा। हमने फाइनली ले लिया है इसका ड्रेस, गौरव भी अब आ गए, हमें ज्वाइन कर लिया इन्होंने। खुद इसके चेहरे पे लाली मत दे दो। अब मैं अपने लिए कुछ लूंगी, बहुत टाइम हो गया है, अब मैं शॉपिंग करूंगी। आ गए ये पार्क के सामने एक दुकान में जहाँ पे हम देख रहे हैं 700 रुपए की कुर्तियाँ विद पजामे।
हम आ गए हैं ड्रेस के साथ के इयररिंग्स लेने के लिए। ये वाले सेट इयररिंग विद मैंटिका है, ये सिर्फ इयररिंग्स हैं। यहाँ पे चूड़ियाँ कड़े भी हैं। दीपिका को ये पसंद आए हैं और ये हैं 650 के। हमने फाइनल किए ये वाले। मैंने लिया है हेल्दी चना, बॉइल्ड चना, 10 मैक्स सेंट्रल पार्क के बगल में एक भैया जी चना स्प्राउट्स बेच रहे हैं, जो कि बहुत टेस्टी है। इतना अच्छा लगा कि हमने एक खाया और दो पैक करा लिए। क्या नाम है भैया आपका? यहीं खड़े होते हो? ब्रिजेश जी के पास आके खा लेना, कचौड़ी वाले भैया के बगल में यहाँ पे खड़े रहते हैं। चने हो गए हैं पैक। थैंक यू ब्रिजेश भैया जी। भाई यहाँ आ जाना, सब लोग नहीं आए ना, अगर यहाँ पर देखो दीपाली के सामने। नहीं भैया थैंक यू। हाँ थोड़ा आगे आके हमने ली हैं ये बेल्ट, साड़ी के साथ, जीन्स के साथ और ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं इन भैया से। इनका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। थैंक यू भैया। लड़की खा रही है अमरूद। अब मैंने खाए थे स्वीट कॉर्न्स, मैंने ख़त्म कर लिए। अमरूद बहुत मीठे हैं। दीपिका को ये चश्मा पसंद आया है, हमने इनसे लिया है चश्मा। तो ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। उल्टा चश्मा दिखा रहे भैया, उल्टा शीशा दिखा रहे हैं। गौरव तुम कुछ लेने गए थे, क्या हुआ? कुछ लेने गए थे? नहीं आया समझ, दिखाओ। पसंद आया ये वाला, सही लग रहा है। पीस रेट भी लगा लिया, और सही लग रहा है। लव लव ऐसा हुआ कि हमें एक अभी अंग्रेज से अंकल मिले और वो अपनी वाइफ के हाथ का बना हुआ ब्रेड बेच रहे थे, तो हमने उनसे ये खरीदा है 350 रुपीज़ का। और आई डोंट नो वो कैसा होगा, वो अफगानी से लग रहे थे। एंड लेट्स सी खा के पता चलेगा हाउ डज दिस टेस्ट। क्या में हरियाली कम हो गई है, तो अब हरियाली भरी चप्पलें आ गई है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और बिल्ली, टमाटर, पम्पकिन सब है यहाँ पर। ये हैं ये गन्ने, हमें कैब में खाते हुए जाऊंगी। राम लड्डू हैं लाजपत के, जो अब हम खा रहे हैं। क्या डिफरेंस है कि जो हम रोड के बगल से खाते हैं ना, वो बहुत टाइट होते हैं और ये फ्लफी है अंदर से, और इसमें चटनी भी मीठी और खट्टी वाली है। क्योंकि ये शायद प्योर मूंग की दाल के, इसीलिए ये फेमस है, बहुत टेस्टी है, आप भी आके खा सकते हैं। राम लड्डू फूड कॉर्नर। हमें आधा घंटा हो गया, हम अभी भी एरो के स्टोर पे बैठे हैं भैया का सामान पकड़ के, और इतने गंदे हैं ये। इन्होंने हमारे टाइम पे तो अपना पूरा पता नहीं कहाँ गायब थे, हमारी पूरी शॉपिंग में गायब थे, अपनी शॉपिंग में। हम दोनों को बेचारा जैसे यहाँ पे बैठा रखा है और हम वेट कर रहे हैं, ये बस ऐसे वो वॉक करके आ रहे हैं हमारे तरफ। हम बोल अच्छा लग रहा है, फिर बोले नहीं दूसरा ले तो, फिर दूसरा देखने में बोले अच्छा लग रहा है, दूसरा एक और देख लेता हूँ। यही चल रहा है, हम बहुत लेट हो गया, मुझे बहुत भूख भी लग रही। मेरे को तो घर जाके बहुत सारा काम है ऑफिस का, जो मैंने बहुत दिन से प्रोक्रेस्टिनेट करके किया नहीं है, तो मेरे को तो वो करना है। तो फाइनली हम निकल गए हैं एरो से शॉपिंग करके। हमने चार चार चीज़ें ली हैं। ये रहा झोला एरो का, ये देखो ब्लेजर, ब्लेजर पता नहीं क्या क्या लेके आ गए। हम सफ़ेद पन्नियों में सामान ला रहे हैं, ये लाल में ला रही है। इनको देखो, इनका टोरा ये लग गया भाई। मेरे 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 ये मेरे से मैच है कपड़ों से अलग के सपने। अब हम आ गए हैं लाजपत नगर के नेचुरल्स में और हम खा रहे हैं मलबेरी एंड इनका सिग्नेचर टेंडर कोकोनट। दीपिका खा रही है चोको बाइट एंड टेंडर कोकोनट। ये देखो गौरव का ऑर्डर सेम मेरे जैसा है भाई, मेरे में तो एकदम प्योर मलबेरी निकल। तो हमारी कैब आ गई है और दीपिका ने यहाँ ये जो स्प्राउट्स लाए थे वो नेचुरल के डब्बे में परोस के दे दिए। गौरव यहाँ पे अपने मस्त स्प्राउट्स खा रहा है, दीपिका बिल्कुल वो मम्मी नहीं होती, बांट रही हूँ मैं, बांटने वाली हूँ गाड़ी में बैठे बर्तन खोली। वो मम्मिया नहीं होती जो आती है ऐसे पूरी और सब्जी का, वो खोलती है डिब्बा और सबको बराबर बांट रही होती है। आई एम दैट मम। तरुण ने, दीपिका ने वैसे ही करके हमको ये सब्जी बांट दी, सारे बर्तन बांटे खोल लिए। ये मेरी आइसक्रीम अभी भी बची है, अपना बेचारी मम्मी पन्नी से खा रही है। ये गरीबी का हाल है, मम्मी लोग ऐसे करता है।
तो फाइनली हम घर पहुंच गए, हमने सारे कपड़े ट्राई भी कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं सोने। कल है मंडे और फिर से जाना है ऑफिस। जाना तो नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, घर से काम करना और बहुत सारा काम है। सो गाइस हम सोते हैं, आप लोग भी आराम करें। सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।